Oh my God. मैं कह रहा हूँ कि वो बेटा अपना देखो कौन सा रैप कराना है, किस कलर में करवाना है, वो भी जरा उसका भी हिसाब लगाओ। छत को बनवाओ, अपना बोनट का कराना है, काम ये सारे काम करो, ऐसी गाड़ी अच्छी नहीं लगती है। ओके हाँ, उसको सारा कुछ सब करो, उसका इलेक्ट्रिशियन विशन होनी चाहिए ना गाड़ी। ओके सर। ओके यल्ला। ओके सी यू। आज रैप की तैयारी करके फिर लाऊंगा गाड़ी। कौन सा कलर है? रैप का कलर अभी डिसाइड नहीं हुआ, अभी सोच रहे हैं। डिसाइड करो आपस में, तय करके कर रहे हैं अभी। उसको अभी बीबीएन को भी साथ बिठाओ, बिठाना है उसको, रैपा को भी, फिर आपस में तय करके तय करो। डन हो गया। टन टडा डडिक डडिक डडी, ये ब्रो ये बेड़े। हमारा पहला व्लॉग है नथिया गली के बाद। ये जो शाइन और ये जो रिफ्लेक्शन है, ये हमें बहुत ज्यादा याद आएंगी। बट थैंक्स टू यू गाइस, या वो लोग स्पेसिफिकली जो इस्लामाबाद शो में मौजूद थे। हमारी मीना में ये देखें, इसके अलावा इस फेंडर में लाखों डेंट है, ठीक है ना, इतने हैं कि आप गिन ही नहीं सकते हैं। ये देखें लाखों किस्म के डेंट है। ये बहुत पुराना खराब था, इधर एक दो धब्बे हैं, इधर बड़ा डेंट है। इस फेंडर में भी 1.5-2 लाख डेंट पड़ गया है। ये देखें ये देखें, ये सारी जो लहरें हैं ना, ये डेंटों की हैं। बम्बर शंबर अल्लाह के वाले हो गए हुए हैं। होता तो है लेकिन ओके सर, ये बहुत हैप्पी है, नुकसान नहीं बन रहा। डेंट फाइंडिंग अगर आप करते रहे ना, तो आपको दरवाजों में, पिलर में, एक आधा इधर भी है, वो भी इस टाइम नहीं दिसेगा। डक टेल इज नो मोर, देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। अस्सलाम वालेकुम जी बॉयज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? पीछे क्यों चले गए हैं? तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से होंगे, और आपका आज का दिन बहुत अच्छा और मजे में गुजर रहा होगा। अगर नहीं तो मैं दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। खैर जी, इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं विद मीना की टूटी हुई विंडशील्ड। यस, नहीं अपडेट कुछ इस तरह है कि जिंदगी चल रही है, गुजर रही है, बाल आज भी नहीं बने हुए, इसीलिए जरा टोपी पहनी है। लेकिन हमने टोपी सीधी क्यों पहनी है ये हमें नहीं पता, इसको जरा उगे हुए टैंकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की रहमत से। और अगर आप लोग करते हैं तो आपकी दुआओं से फुल है। और एवरेज की सूरत हाल है जी कुछ 14.6। और हमारी मीना फाइनली 1 लाख किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारी बातें छोड़ें, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा दिन है, जो आपने टाइटल से शायद ना जाना हो, क्योंकि उसमें हमने थोड़ा सा सस्पेंस रखने की कोशिश की है, तो वो यही है कि जो चीजें हुई हैं उसकी वजह से आपके भाई को मीना अच्छी लगनी बंद हो गई है। तो इसीलिए अब हम मीना के साथ कुछ ना कुछ फनकारी करेंगे। अब सीन कुछ इस तरह है कि मैं आप लोगों को एज एन ऑडियंस, एज ए फैमिली, आपको मैं ओपन सीन बताता हूँ। ओपन सीन कुछ इस तरह का है कि हमने करानी है गाड़ी पेंट, और अभी फिलहाल हमारा कंप्लीट बजट नहीं है, थोड़ा बहुत है, कंप्लीट नहीं है। इस दफा जो पेंट करवाने का हम सोच रहे हैं वो हमें काफी महंगा पड़ना है, तो इस वजह से हम अभी फिलहाल रुक रहे हैं। थोड़े अरसे तक पेंट का काम स्टार्ट करेंगे, आगे रमजान है जी इंशाल्लाह, तो रमजान में रोजे शोजे रखें, नमाजें पढ़े, कुरान पढ़े, घर रहे, वर्कशॉप पे धक्के ना खाएं, इसीलिए हम अभी नहीं गाड़ी खोल रहे। लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम गाड़ी खोलेंगे, और इस दफा ऐसा करेंगे इंशाल्लाह कि मजा आएगा। फिलहाल सीन कुछ ऐसा है कि हम ही ना वो करने लगे हैं जी रैप, पुरानी रवायत बरकरार रखते हुए एक आधा रैप का लुक तो बनता है ना, तो जरा रैप करेंगे। लेकिन ये है कि जब हम रैप उतारेंगे तो पेंट उतरेगा। अगर आप मेरे थोड़े से पुराने सब्सक्राइबर हैं तो जब हमने मीना को ब्लैक किया हुआ था, तो जब ब्लैक उतारा था तो रैप साथ आ गया था, इसीलिए तमुल से हमारा इस जर्नी में साथ दें। आज करेंगे रैप की कुछ प्रिपरेशंस, और आपको दिखाएंगे कि व्हाट डू यू नीड टू गेट डन टू योर कार बिफोर रैपिंग इट, और क्या क्या चीजें जरूरी हैं, और रैप में क्या क्या चीजें सोचने की जरूरत है करने से पहले। फिलहाल फटाफट चलते हैं जी मीन मोटर स्पोर्ट्स, और फिर जाके देखते हैं कि आगे जिंदगी में क्या है करने को। तब तक के लिए आप सफर एंजॉय करें। To be honest, it has never brought me down. This guy right here हमें काफी डिप्रेस और कुछ ना कुछ लग रहे हैं। Let's just try to cheer him up somehow. लाना भाई, साथ ले भाई को, साथ ले भाई को। ये से दो के आज पे।
Few moments later. ओए 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 गालम दिया बच्चे यार। तो जी नाज़रीन, जो हमारी छत्ते मुबारक का जो पेपर है ना, इसको हो गए हैं कोई 8 महीने। छत हमारी वाहिद जेन्युइन चीज़ है हमारी गाड़ी में, तो इसको ज़रा उतारते हैं और देखते हैं नीचे से क्या सूरत हाल है। पेट्रोल वाली टाकी मारने की जरूरत ना पड़े तो अच्छा होगा। इस बार फ्रेंड हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अब हम पेपर उतारेंगे। टोटल जेन्युइन छत ने साबित किया कि मैं टोटल जेन्युइन हूँ, कोई इस पे ग्लू श्लू नहीं रही और क्या बात है, एक ही तो जेन्युइन शह है अपनी गाड़ी में। जो फ्रंट किट है उसकी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से लगी हुई है और उसके साथ काफ़ी सारी ज्यादतियाँ भी हुई हैं, नीचे भी लगती रही है गाड़ी है वो इसकी एंट्री चेक कर। खैर जी, बम्पर हमने मंगा लिया, अंदर उतारते हैं इसकी किट और देखते हैं कि नीचे से क्या सूरत हाल है। इस किट की तो सत्तू फिनिश हो गए हैं हर तरफ से ना, इसीलिए फैसला यही है कि गाड़ी जब रैप करनी है हमने तो एक दफ़ा नीटनेस के साथ करनी है, तो इसीलिए बेहतर ये है कि नई किट डाल के उसकी अच्छी मंजाइयाँ करके उसको पहले रैप किया जाए और उसके बाद गाड़ी पे फिट किया जाए, ये हमें बेहतर रहेगा। फिलहाल ज़रा ये उतार लें फिर देखते हैं। अपडेट कुछ इस तरह है कि जो खड़पेचे थे ना, उन्होंने अपने असरात छोड़े हुए हैं, अब उनके असरात दूर करने के लिए इन पे चलाया जा रहा है जी रेगमाल। ये है रेगमाल, ये ज़रा तेज़ वाला है, इधर भी थोड़ा सा मार लिया, डबल टेप के साइंस जा रहे हैं, इधर भी मार रहे हैं ताकि ये सारी चीज़ें हो जाएं क्लियर। ये मौजूद है जी अपनी पुरानी किट, जिसकी हमें अब मजीद ज़रूरत नहीं है, उसके हालात भी नहीं है कि किसी को डोनेट भी की जाए, इतने बुरे हालात हैं, तो इसीलिए इट इज़ जस्ट लेफ्ट ओवर हेयर गॉन फॉर एवर। अस्सलाम वालेकुम, तो नाज़रीन कैसे हैं आप माय फ्रेंड, सारे सारी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और सारे सारी से अपने मशवरा लेना है रिम्स के बारे में, तो जी कुछ बताइए। मशवरा ये है कि इसकी डीसी हम कार्बन फाइबर करेंगे। ओ यार भाई पकड़ो ना, ये करे यार चले। सर वाइट रखते हैं तो इसमें ये होगा कि वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे प्रोमिनेंट होगा, और इसके अलावा हमको कलर कर नहीं सकते। अगर हम ब्लैक करेंगे तो गाड़ी ऐसी ब्लैक होगी कि कुछ नहीं आएगा। मेरा मशवरा ये है कि रिम चेंज कर दिया जाए। ये तो बड़े मशवरों पे है, इसकी नहीं सुन सकते अभी इधर हम। सुभान भाई आपका मशवरा क्या है? मेरा मशवरा तो यही है कि अपना पेपर चढ़ा दिया जाए, अच्छा लगेगा। कार्बन अंदर से काला, ग्लॉस ब्लैक, ABS वो पुराने वाले नहीं मिलेगा, वो ना मिले इजाद करो, साथ ही घर बनाने पड़ने हैं। ए, इन रिमों के साथ क्या खेल सकते हैं ये बताओ। मैं बताता हूँ उस्मान भाई, मैं बताता हूँ, शीशे काले होंगे जो नजर आ रहे होंगे ग्लॉस में, डोर हैंडल ग्लॉस होंगे, स्पॉइलर दोनों ग्लॉस होंगे, वेदर स्ट्रिप पे ग्लॉस होंगी, उसके बाद लाइटें अगली स्मोक होंगी फ्रेश, वो ग्लॉस फील करेंगी। ये ही रिम चलाने हैं जी, इसका धूल नहीं लगता। वो शारी की गाड़ी की होता है मोशन आप पहले, वो भी टीवी 3 मिल जाए बहुत अच्छे से। ए ज्यादा से ज्यादा भी 17 ही है भाई, फिनिश बहुत प्यारा लगेगा। इसको टूल लगवा के लगा लें। किसको? इसको नहीं हैं, समझ आता है? नहीं यार, नहीं नहीं आपस में मुकलो पहले दिया। फिलहाल जी सीन में इस तरह का है कि पुटीनो शुटीनो वाला काम तो हमारा नहीं हो सका, बट आई एम वेरी सैड टू टेल यू कि शायद आप वो चीजें ना देख पाए क्योंकि हमने वो करवा लेनी है। अब कंफ्यूजन बहुत सख्त चल रही है, रिम्स का कुछ भी नहीं समझ आ रहा क्या करना है और क्या नहीं। अब यही है जी कि पुटीनो शुटीनो वाला काम होना है, पुटीन वगैरह सब कुछ होने के बाद गाड़ी फाइनल होगी रैप के लिए और उसके बाद हम रैप डिसाइड करेंगे और फिर रैप करेंगे। सबसे बड़ी कंफ्यूजन जिंदगी की है जी रिम्स, उम्मीद करते हैं कि वो कंफ्यूजन भी जल्द खत्म हो जाए। इधर की अपडेट कुछ ऐसे है कि बोनट पे से हमने पुटीन उतार दी थी, उसके बाद जहाँ जहाँ से
मसले मसाइल थे, यहाँ से भी उतर गया। उसके बाद साइड पैनल पे पेपर लगा हुआ था, साइड पैनल दरवाज़ों के अंदर पेपर लगा हुआ था, वो सारा उतर गया। बम्पर भी पिछला उतार दिया, उसका भी जो नीचे स्टिकर था वो भी उतार दिया, लोगो उतार दिया है, लोगो उतार दिया है। इस साइड पैनल पे पेपर था वो भी उतर गया, इधर से भी उतर गया है। छत साफ सुफ हो गई है, ऑल गुड। इधर से भी गाड़ी क्लीन है, और सिर्फ पुटीनों वाले काम के बाद हमारी गाड़ी इंशाल्लाह रात के लिए तैयार हो जाएगी। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और आप भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मीना को दुआ में याद रखें, और मुझे भी दुआ में याद रखने वाली है बस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट। आज की नाइट तो लंबी है।